हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सी राजेंद्र अरोड़ा है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितना वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही मुझे बहुत और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और फर्दर अच्छे वीडियोज, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज बनाने के लिए। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक और बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक की। दोस्तों, एक जजमेंट आया, गुजरात हाई कोर्ट ने पास किया 7 फरवरी 2019 को, और उन्होंने कहा केस इश्यू क्या था कि एक प्राइवेट कंपनी है, उस प्राइवेट कंपनी के ऊपर टैक्स की रिकवरी थी, टैक्स की रिकवरी नहीं हो पा रही थी, तो डिपार्टमेंट ने, रेवेन्यू ने डायरेक्टर्स के बैंक अकाउंट को अटैच कर दिया। केस पहुंचा हाईकोर्ट पर, रिट पिटीशन फाइल हुई, गुजरात हाईकोर्ट ने बात, डिस्कशन हुआ, दो सेक्शंस के ऊपर रिलायंस प्लेस किया गया, दो सेक्शंस के ऊपर डिपार्टमेंट ने अपना केस बनाया, पहला सेक्शन 83, दूसरा सेक्शन 89। सेक्शन 83 में डिपार्टमेंट ने कहा कि हम जो हैं, अगर हम चाहें तो प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकते हैं टैक्सेबल पर्सन के बैंक अकाउंट का। तो कोर्ट ने जब एनालाइज किया तो देखा कि टैक्सेबल पर्सन जो है उसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 107 में लिखी है, और उसमें कहा है टैक्सेबल पर्सन वो जो कि रजिस्टर्ड है या लायबल फॉर रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 22 और 24। तो जब बात देखी तो लायबल फॉर रजिस्टर्ड या रजिस्टर्ड जो है वो तो कंपनी है, ना कि डायरेक्टर्स है। तो प्रोविजनल अटैचमेंट जो है वो टैक्सेबल पर्सन का हो सकता है बैंक अकाउंट का या उनकी प्रॉपर्टी का, ना कि डायरेक्टर्स के बैंक अकाउंट्स का। फिर दूसरा सेक्शन उन्होंने जो, जिसका हवाला उन्होंने दिया, जिसके ऊपर बेसिस लिया, वो सेक्शन 89 था। उन्होंने कहा कि अगर किसी प्राइवेट कंपनी के केस में टैक्स की रिकवरी ऑफ टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी की रिकवरी ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पर कंपनी से नहीं हो पाती है तो डायरेक्टर से रिकवरी कर सकते हैं। तो गुजरात हाईकोर्ट ने उसको भी एनालाइज किया और कहा कि देखिए, पहली बात, पहली कंडीशन तो इस सेक्शन के इन्वोकेशन की ये है कि टैक्स की रिकवरी, इंटरेस्ट पेनल्टी की रिकवरी नहीं हो पा रही है कंपनी से, और क्योंकि यहां पर इस केस में ऐसा नहीं प्रूव हुआ कि कंपनी से रिकवरी नहीं हो पा रही है, इमीडिएटली इप्सो फैक्टो डायरेक्टली जो है डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है रिकवरी के लिए। और दूसरा बहुत बड़ा प्रोविजन सेक्शन में ही लिखा है, उसमें कहा गया कि अगर रिकवरी डायरेक्टर्स से तब हो सकती है जब ये प्रूव हो जाए कि डायरेक्टर्स की, डायरेक्टर्स के मिसकंडक्ट की वजह से, उनके मिसफीसेंस की वजह से, या नेग्लिजेंट ड्यूटीज की वजह से, या ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से रिकवरी नहीं हो पा रही, मतलब उनकी किसी गलती की वजह से कंपनी से रिकवरी नहीं हो पा रही, तब वो डायरेक्टर्स से रिकवरी की जा सकती है। ना ही कोई नेग्लिजेंस है, ना ही ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, ना ही मिसफीसेंस है, तो आप डायरेक्टली डायरेक्टर्स के बैंक अकाउंट को अटैच नहीं कर सकते। ये इंस्ट्रक्शन दी गई रेवेन्यू को, और इमीडिएटली उनसे कहा गया कि सारे डायरेक्टर्स के जितने भी बैंक अकाउंट आपने अटैच किए हैं वो आप रिलीज कीजिए, ओपन कीजिए। दोस्तों, एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट बन जाएगा ये आने वाले दिनों में, क्योंकि रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो चुकी हैं, सब तरफ से बातें चल रही हैं, सब तरफ से रेवेन्यू जो है बहुत एक्टिव हो गया है। आप प्लीज इस बात को नोट कीजिए। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।